हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी वन एंड ये है इसका पार्ट वन। गाइस, आज इस गेम को मैं फुल्ली कंप्लीट करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसमें गाइस बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, जैसे कि इसमें गेम की एंडिंग भी चेंज हो गई है, इसमें जो ग्रैनी की मोम है वो भी अलाइव हो गई है, और जो लोकेशन वगैरह है बहुत सारी चीजों की वो भी इसमें चेंज हो गई है। तो गाइस, इस गेम में आपको पता चल गया होगा इसमें स्लेटरीना की जो मदर है वो भी गाइस इसमें जिंदा हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्लेटरीना की यहाँ पे मॉम। तो यहाँ पे देख सकते हो स्लेटरीना की मॉम ये है एंड ये बहुत बार जिंदा भी हो जाती है और ये हमारे पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमको एक वीपन की मिल गई है, चलो हमने यहाँ पे पिक कर लिया एंड पिक करने के बाद चलिए आगे देखता हूँ कुछ आइटम हमको यहाँ पे मिल जाए ताकि हम ग्रैनी को यहाँ पे फोड़ पाएं। चलो गाइस, सीढ़ियों के हेल्प से नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको एक क्रॉसबो नाम का एक वीपन मिल गया है। वीपन मिलने का चलो इसको भी पिक कर लेते हैं। गाइस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ग्रैनी को ढूंढेंगे। ग्रैनी को ढूंढने के बाद हम इसको उससे किल कर देंगे दो मिनट के लिए। वो ग्रैनी बेहोश हो जाएगी, तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ग्रैनी को ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं ग्रैनी कहाँ पर है और फिर हम उसको इससे फोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए ग्रैनी को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे तो भाई एकदम सुनसान जगह है, घर पूरा एकदम सुनसान है, एकदम अलोननेस वाली यहाँ पे फील आ रही है। तो ऐसे इस घर को देखने के बाद मेरे को ये लग रहा है कम से कम ये घर 200 साल पुराना शायद ये घर है, और आगे खून भी पड़ा हुआ था, आपने देखा था पहले, देखा होगा। तो एंड यहाँ पे एक कार भी रखी हुई है गाइस, तो मेरे यहाँ पे कार रखी हुई है। तो चलिए इस कार का हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको सबसे पहले तो ग्रैनी को यहाँ पे ढूंढना है, और ग्रैनी को ढूंढने के बाद हम यहाँ पे ग्रैनी को मार देंगे। तो यहाँ पे ड्रम भी रखे हुए हैं, चलिए सीढ़ियों की हेल्प से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे एक दरवाजा, तो गाइस हमको ग्रैनी मिल गई, अब अच्छा मौका है इस ग्रैनी को मारने का। तो हमने ग्रैनी को मार दिया है, अब जो ग्रैनी है ना वो गाइस 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगी। एंड जब भी गाइस ये बेहोश हो जाएगी ना, तब हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे इस गेम में। तो सबसे पहले तो हम अब आइटम्स को कलेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हमको एक ये आइटम मिल गया है, तो चलिए इसको जल्दी से गिरा देता हूँ। तो इसमें ये क्या है गाइस, कुछ आई थिंक ये स्क्रू ड्राइवर है, तो इसका तो कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसको मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे, अभी गाइस मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस रूम में देखता हूँ इस रूम में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए इस रूम में जाता हूँ, इस रूम में जाने के बाद इन सीढ़ियों की हेल्प से नीचे चलता हूँ और भी नीचे चलता हूँ। तो नहीं, पहले तो यहाँ पे देख चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे भी गाइस कुछ नहीं है। चलो तो इस तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है गाइस, तो एकदम सीक्रेट जगह है, एकदम सीक्रेटली यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं चलिए इसको पुश कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ही इसको पुश किया तो ये गेट खुल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक टेडी बियर रखा हुआ है। तो गाइस चलिए इस टेडी बियर को हम जल्दी से ले लेते हैं। तो गाइस इस टेडी बियर को लेने का एक फ़ायदा है, इससे जो स्लेटरीना होती है ना गाइस, वो उससे स्लेटरीना की जो आत्मा है उसको शांति मिल जाती है। तो स्लेटरीना को हम इससे जल्दी से किल कर देंगे, और किल करने के बाद चलिए जल्दी से हम स्लेटरीना का जो वो बैड है ना उस पर हम इसको फेंक देंगे। तो गाइस मेरे को यहाँ पे इस टेडी बियर को यहीं पे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को और भी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको पता ही होगा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। ग्रैनी अगर जाग देगी तो वो मेरे को मार देगी, तो मेरे को यहाँ पे 2 मिनट का टाइम है। तो यहाँ पे मैं चलिए फिर से उसी जगह पर चलता हूँ, या उसी जगह पर जाने के बाद यहाँ पे मैं उसी वेपन को लेता हूँ, क्योंकि इस वेपन का एक तो यूज़ है, इसको हम फिर से ग्रैनी को मार देंगे 2 मिनट के लिए गाइस। तो इसी वेपन को फिर से ले लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं इसी वेपन को ले लेता हूँ। अगर वो ग्रैनी हमको बीच रास्ते में कहीं भी मिल जाएगी तो हम उसको इसी से टपका देंगे। तो गाइस चलिए इस वाले कमरे में चलता हूँ, इस वाले कमरे में तो भाई कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं उसी जगह पर फिर से आ गया हूँ जहाँ पे मैंने पहले ग्रैनी को टपकाया, तो इसी दरवाजे के आगे मैंने पहले ग्रैनी को टपकाया था। तो आई थिंक वो ग्रैनी अब यहाँ से जाग चुकी है, क्योंकि अब वो यहाँ पे ग्रैनी नहीं है। तो मेरे को लगता है ग्रैनी जाग चुकी है और वो कहीं पे मेरे को तो ढूंढ रही होगी अभी इसी टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ तो मिली है, यहाँ पे मेरे को विंच हैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका मेरे को पता है इसका क्या यूज़ होने वाला है, तो मेरे को इसका यूज़ करने के लिए मेरे को सबसे पहले तो बाहर जाना पड़ेगा। चलिए मैं बाहर चलता हूँ, बाहर चलने के बाद मेरे को जो कुआ है ना गाइस उसमें इसको लगाना पड़ेगा। इससे क्या है मेरे को एक बाल्टी मिलेगी, बाल्टी मिलने के बाद मेरे को यहाँ पे एक आइटम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें इस कुएं को मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बाल्टी ऊपर आ गई है, बाल्टी ऊपर आने के बाद इसमें मेरे को एक आइटम देखने को मिला, इसमें मेरे को हैमर देखने को मिल रहा है। तो इस हैमर का भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो घंटी थी उसको 2 से 3 बार बजा दिया हूँ, एंड बजाने के बाद चलिए मैं अब मेरे को जाना है गाइस स्लेटरीना के रूम में। स्लेटरीना के रूम में जाने के बाद मैं इस हथौड़े से उसको रूम को तोड़ दूंगा, जिससे मैं उस रूम में एंटर कर सकता हूँ इस हथौड़ी की मदद से, और फिर मैं उसको किल कर सकता हूँ आसानी। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो स्लेटरीना का जो रूम है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्लेटरीना के रूम को जल्दी जल्दी ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा गाइस स्लेटरीना का रूम, तो चलिए मैं इस हथौड़े से इसको तोड़ देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने एक प्लैंक है। तो गाइस मैंने इस जो स्लेटरीना का जो रूम था उसमें मैं एंटर हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो एक डोर है वो लॉक है,
तो अब मेरे को जाना पड़ेगा टेडी बियर को लेने के लिए। तो चलिए गाइस मैं अभी टेडी बियर को लेने जाऊंगा इस रूम से। चलिए मैं जल्दी से बाहर चलता हूँ। तो टेडी बियर को गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पीछे ग्रैनी पड़ गई है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। तो चलिए इसी रास्ते से मैं यहाँ पे जल्दी से भागता हूँ और यहाँ पे से मैं नीचे की तरफ जंप कर देता हूँ। जंप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे जल्दी जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। तो यहाँ पे ये गेट है, तो इसको जल्दी से मैं इस हैमर से तोड़ लेता हूँ। तो इस वाले को भी प्लैंक को तोड़ लेता हूँ। चलिए अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा टेडी बियर। तो चलिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो ग्रैनी अब भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे मैं टेडी बियर को जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। तो टेडी बियर मैंने ऊपर रखा था सीढ़ियों के ऊपर, तो मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा फिर से। तो चलिए सीढ़ियों के ऊपर चलता हूँ जल्दी से। तो सीढ़ियों के ऊपर मेरे को यहाँ पे टेडी बियर है ना गाइस, वो मिल गया है। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी से स्लेडरीना के होम में। तो स्लेडरीना के यहाँ पे मैं रूम में जाना पड़ रूम में चला जाता हूँ जल्दी से, ताकि मैं स्लेडरीना को यहाँ पे किल कर पाऊंगा। तो यहाँ पे स्लेडरीना के मैं रूम में एंटर हो गया हूँ। एंटर हो जाने के बाद चलिए इसको जल्दी से इसमें फेंकता हूँ इस बेड पे। एंड फेंकने के बाद अब यहाँ पे जो स्लेडरीना है वो गाइस जल्दी से मर जाएगा। तो सभी मैं इस कवाड में देखता हूँ यहाँ पे कुछ आइटम अवेलेबल है या फिर नहीं। यहाँ पे मेरे को कटिंग प्लेयर्स नाम का एक वेपन मिल गया, तो यहाँ पे स्लेडरीना की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। तो आगे जाने के बाद अब मेरे को यहाँ पे जो वायर्स है उनको भी मेरे को कट करना पड़ेगा। उन जो मतलब जो डोर के जो वायर्स थे उनको भी मेरे को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक ग्रैनी आने वाली है, तो मेरे को उससे ग्रैनी से बच के जाना पड़ेगा, वरना वो हमको मार देगी। तो गाइस जो ये जो रास्ता है वो गाइस एकदम बेटर रहेगा जाने के लिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लंबी जंप कर दी है। जंप करने बाद जो मेरा कटिंग प्लेयर्स जो नाम का वेपन था वो नीचे की तरफ गिर पड़ा है। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पे फिर से पिक कर लिया। तो यहाँ पे ग्रैनी मेरे पीछे अब भी पड़ी हुई है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे एक लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यहाँ पे, इसमें कुछ भी मतलब इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इससे। तो यहाँ पे मेरे को एक रास्ता यहाँ पे अवेलेबल पहले से ही पता था है। तो इस रास्ते से जाने के बाद क्या होगा, इससे जो रास्ता है ना गाइस वो एकदम बाहर की तरफ निकलता है। इस रास्ते से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हम घर के अंदर घुस जाएंगे, और घर के अंदर घुसने के बाद हम ऑल भी आइटम्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रास्ता है वो एकदम बाहर की तरफ निकलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हम एकदम बाहर निकल आए हैं कुएं के यहाँ पे। तो कुएं के यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकल गए, तो यहाँ पे मैं घंटी को बजा दूंगा। जैसे ही गए वो ग्रैनी यहाँ पे देखने आएगी घंटी को किसने यहाँ पे बजाया है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अंदर घुस जाऊँगा। अंदर घुस गए हैं, तो अब ग्रैनी बाहर की तरफ हमको ढूंढ रही होगी और हम यहाँ पे अंदर सब कुछ काम कर देंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने उसको रेड की जगह ग्रीन कर दिया है। तो चलिए और भी ज्यादा अभी, तो चलिए गए सीढ़ियों के हेल्प से ऊपर चलता हूँ। ऊपर चलने के बाद यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को वही क्रिस्वो नाम का पहले जो पेपर मिला था, तो वो मेरे को अभी अब फिर से मिल गया है। तो अब मैं एक काम करूँगा, अब ग्रैनी बाहर से अंदर आ रही होगी, तो मैं उसको अब जल्दी से टपका दूंगा इस वेपन से। तो आई थिंक अब ग्रैनी अंदर आने वाली होगी, तो जैसे ही वो अंदर आएगी तो मैं उसको 2 मिनट के लिए फिर से मार दूंगा उस ग्रैनी को। तो चलिए ग्रैनी को सबसे पहले ढूंढता हूँ। तो ग्रैनी यहाँ पे नहीं आई है, तो अभी वो शायद अंदर आ रही होगी इस घर के। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे शायद ग्रैनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाहर की तरफ चलता हूँ। तो बाहर देखता हूँ कि ग्रैनी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे गाइस कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे घंटी को यहाँ पे बजा देता हूँ। तो घंटी जैसे ही बजेगी तो ग्रैनी बाहर आएगी, और जैसे ही बाहर आएगी तो हम उसको इस वाले वेपन से मार देंगे। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रैनी आएगी, तो इससे हम ग्रैनी को यहाँ पे मार देंगे। तो अब अच्छा तरीका है, हम इसको जल्दी से मार देते हैं। अब जैसे ही गाइस ये जो ग्रैनी है वो अब मर गई है, तो अब ये गाइस ग्रैनी मर गई है, तो ये यहाँ पे वो जो कि गेट है ना गाइस वो लॉक है। तो हमको इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, यहाँ इस वाले रास्ते से ही हम जा सकते हैं, उस वाले रास्ते से हम नहीं जा सकते, क्योंकि गाइस वो दरवाज़ा सिर्फ ग्रैनी के लिए बनाया है, सिर्फ ग्रैनी ही उसमें आ जा सकती है, हम नहीं जा सकते। तो हम तो गाइस हमको यहाँ पे एक बुक मिल गई है। तो इस बुक से हम जो ग्रैनी जो स्लेडरीना की जो गाइस जो मॉम है इस बुक से हम उसको जिंदा कर देंगे। तो चलिए मैं स्लेडरीना की जो मॉम है उसके रूम में यहाँ पे मैं जल्दी से चलता हूँ और उसको देखता हूँ कहाँ पे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे बुक को यहाँ पे इस लोकेशन पे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे जो स्लेडरीना की जो मॉम है वो गाइस नीचे की तरफ गिर पड़ी है। तो गिरने के बाद अब वो जिंदा हो जाएगी आई थिंक। तो अब हम इसमें से घर में से जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, और इस घर से हमको जल्दी से भागना पड़ेगा, वरना हमको ग्रैनी मार देगी। तो यहाँ पे मैं तो हमको यहाँ पे क्रॉसबो नाम का वेपन मिल गया है, तो चलिए इसकी जो एमओ है उसको भी ले लेता हूँ। तो लेने के बाद अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा मेलन, वाटर मेलन। अब मेरे को यहाँ पे वाटर मेलन को ढूंढना पड़ेगा, यानी तरबूज। तरबूज में एक हमको की देखने को मिलेगी, तो उस की से ही हम इस गेट को ओपन कर सकते हैं, और कोई यहाँ पे रास्ता अवेलेबल नहीं है मतलब उस गेट को खोलने के लिए। तो मेरे को यहाँ पे तो क्या सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे तरबूज को देखना पड़ेगा कि तरबूज कहाँ पे है। तो तरबूज मेरे को हिसाब से इस वाली लोकेशन पे अवेलेबल है। तो चलिए सीढ़ियों की हेल्प से नीचे चलता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ये रूम मिल गया है, तो मेरे को इस रूम में जो दिख रहा है आपको ये रेड रेड टाइप का कुछ, तो इसको मेरे को एम करना है, इसमें मेरे को शॉट लगाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे शॉट लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉट लगा दिया, और शॉट लगाने के बाद मैं ये जो गाइस जो रोड इसका जो गेट है वो खुल जाएगा। खुल जाने के बाद यहाँ पे फ्रीज ट्रैप, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे
तो गैस हमको यहाँ पर तरबूज देखने को मिल गया है, तो चलिए गैस मैं यहाँ पर तरबूज को जल्दी से ले लेता हूँ। तो अब इस तरबूज में गैस क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरबूज में है एक की, तो उस की को हम कैसे ले सकते हैं। इस तरबूज को सबसे पहले तो हमको फोड़ना पड़ेगा। हम इसको कैसे फोड़ेंगे हम इसको सबसे पहले बाहर जाने के बाद हम इसको इस फरसे में इसमें रख देंगे। फरसे में रखने के बाद जो ये तरबूज है वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, फूटने के बाद हमको चाबी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो गैस मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। तो बाहर निकलने के लिए तो गैस इसमें बहुत सारे गेम में रूम अवेलेबल हैं देखने को, तो बहुत बड़ा ये घर है, इसमें से निकलना भी बहुत ही ना मुश्किल हो जाता है इस गेम में। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इस घर में से निकल जाता हूँ। पता नहीं कौन से रास्ते यहाँ पे मेरे को मिलते जा रहे हैं, तो बहुत रास्ते अब मेरे को यहाँ पे मैं बाहर निकल गया हूँ गाइस। यस मैं यहाँ पे बाहर निकलने गया हूँ। तो निकलने के बाद अब मेरे को यहाँ पे एक फरसा देखने को मिल रहा है, तो फरसे में सबसे पहले तो मेरे को इस तो गाइस मैंने यहाँ पे तरबूज को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद चलिए इसमें फरसे को चला देता हूँ। फरसे को चलाने के बाद यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक की मिल रही है, तो इस की का नाम है पैडलॉक की। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस घंटी को बजा देता हूँ। इस घंटी के बजाने के बाद क्या होगा, जो ग्रैनी है वो बाहर देखने आएगी कि कौन घंटी को यहाँ पे बजा रहा है। और तो चलिए यहाँ पे घंटी बज गई है। घंटी बजने के बाद अब मैं इस खिड़की से ऊपर चलता हूँ। ऊपर जाने के बाद चलिए मैं अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अब सबसे पहले तो उस गेट को ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस वो गेट कहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे वो गेट मिल गया है। मिलने के बाद चलिए इसके ताले को मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ। ताले को तोड़ने के बाद मेरे को ओवन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवन एरा, ओवन में मेरे को यहाँ पे की देखने को मिलेगी, ये है मास्टर की। एंड इस मास्टर की से जो गाइस जो ये गेट है ना गाइस वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे गेट को ओपन कर दिया है और हमने इस गेम को फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को भी लाइक कर दो और अच्छी सी कमेंट कर दो नीचे। और नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दो कि मैं किसके ऊपर बनाऊँ इस ग्रैनी के, मतलब क्या क्या आपको चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।